आज हम तीन तरीके से बनाएंगे मिल्क टोस्ट। रेसिपी बहुत ही आसान है और खाने में बहुत अच्छी लगती है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कप में डालेंगे चीनी और नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध और इसे मिक्स करके साइड में रख देंगे। अब एक कप में डालेंगे कस्टर्ड पाउडर और नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध डाल के इसे मिक्स करके इसे भी साइड में रख देंगे। पैन में बटर डालेंगे और इसे लो फ्लेम में मेल्ट होने देंगे। अब दो ब्रेड स्लाइसेस लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम में थोड़ा क्रिस्पी ब्राउन होने तक हमें टोस्ट कर लेना है। ब्रेड को मैंने टोस्ट कर लिया है। फ्लेम को लो में रखते हुए दोनों ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर एक एक चम्मच नटेला इवनली स्प्रेड कर देंगे। अब एक के ऊपर एक ब्रेड रख के इसे हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। अब इसमें दूध और चीनी वाला मिक्सचर डाल देंगे और फ्लेम एकदम लो में रहना चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा चम्मच से दूध ब्रेड के ऊपर डालते जाएंगे। देखिएगा कुछ ही मिनट के अंदर ब्रेड जो है लगभग सारा दूध अब्सॉर्ब कर लिया है। तब तक हमें चम्मच से दूध को ब्रेड के ऊपर इसी तरह से डालते जाना है। देखिए ब्रेड लगभग दूध सोख कर चुका है। अब इस लेवल में कस्टर्ड वाला दूध का मिक्सचर हम धीरे धीरे डाल देंगे ब्रेड के ऊपर, साइड में, हर जगह। अब फ्लेम को लो मीडियम में रखते हुए चम्मच से दूध को ब्रेड के ऊपर डालते जाएंगे। कुछ ही मिनट के अंदर आप देखिएगा ये दूध गाढ़ी रबड़ी की तरह हो गया है। बेसिकली हमें तब तक इसे पकाना होगा। इससे ज्यादा दूध को गाढ़ा ना करें क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। मिल्क टोस्ट तैयार है। इसे ग्रेटेड चॉकलेट से गार्निश करके ठंडा ठंडा या फिर गर्मा गर्म करें, एंजॉय। अब हम दूसरा वाला मिल्क टोस्ट बनाएंगे। तो मैंने ब्रेड को बिल्कुल पहले वाले तरीके से टोस्ट कर लिया है। अभी गाजर हलवा का सीजन है इसलिए मैं एक ब्रेड स्लाइस में गाजर का हलवा इवनली स्प्रेड कर रही हूँ और दूसरे वाले ब्रेड से इसे कवर करके हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। आपको ये गाजर हलवा का रेसिपी ऊपर आई बटन में क्लिक करने से मिल जाएगा। अब बाकी का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, यानी कि लो फ्लेम में दूध डालेंगे। इसमें मैंने चीनी मिलाया हुआ है और इसे चम्मच से ब्रेड के ऊपर तब तक हमें डालना होगा जब तक ये ब्रेड लगभग दूध को पूरा अब्सॉर्ब न कर जाए। अब इसमें कस्टर्ड वाला दूध का मिक्सचर डालेंगे और अगेन चम्मच से इसे ब्रेड के ऊपर डालते जाएंगे लो मीडियम फ्लेम में जब तक ये दूध गाढ़ी रबड़ी की तरह ना हो जाए। हमारा सेकेंड वाला मिल्क टोस्ट भी तैयार है। इसे टूटी फ्रूटी से गार्निश करके करे एंजॉय। अभी हम थर्ड वाला मिल्क टोस्ट बनाएंगे। तो ब्रेड मैंने टोस्ट कर लिया है। क्योंकि अभी ये स्ट्रॉबेरीज का सीजन है इसलिए मैं चॉप स्ट्रॉबेरीज एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर डाल रही हूँ और क्योंकि मेरे स्ट्रॉबेरीज थोड़े खट्टे हैं इसलिए मैं इसके ऊपर पाउडर शुगर स्प्रिंकल कर रही हूँ और दूसरे वाले ब्रेड स्लाइस को इसके ऊपर रख देंगे और हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। अब इसमें अगेन दूध और चीनी वाला मिक्सचर डालेंगे और जैसे ये दूध लगभग अब्सॉर्ब हो जाए उसके बाद इसमें कस्टर्ड वाला दूध का मिक्सचर डाल के सेम उसे थोड़ा गाढ़ा होने तक हमें ब्रेड के ऊपर दूध को डालते जाना है। हमारा थर्ड वाला मिल्क टोस्ट तैयार है। इसे बनाना स्लाइसेस, कटे हुए स्ट्रॉबेरीज और केक स्प्रिंकलर से गार्निश करके एंजॉय करें। अगर आपको आज की मेरी तीन तरह की मिल्क टोस्ट की रेसिपीज अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।